पूर्णिया प्रमंडल के अररिया में जल जीवन हरियाली को लेकर आयुक्त मानव श्रृंखला में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। मानव श्रृंखला में जिलाधिकारी बैद्यनाथ यादव, एसपी धूतर, सायली समेत अन्य वरीय अधिकारी शामिल थे, जबकि इस मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए थे। है क्या तुमको? तो लाइव काफी सामाजिक कार्य है, इसमें सबका सहयोग है। जितने भी हमारे ऑटो वाले भाई हैं, रोड वाले हैं, निश्चित तौर पर आज का ये मानव श्रृंखला जो सामाजिक अवेयरनेस को लेकर के, चेतना को लेकर के जो बिहार सरकार के निर्णय के हुआ है, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो हम मानव श्रृंखला की इस कामयाबी के लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, दिल से सबको मुबारकबाद देते हैं। और इसको सबसे बड़ी दृष्टिकोण से ये देखा जा रहा है कि आज जो आने वाली संकट है पृथ्वी पर, सबसे पहले तो जलवायु की प्रदूषण से जो हमारा पर्यावरण का के वजह कर जो लोगों में दूषित हवाओं का उनके अंदर प्रवेश कर जाना, ये तमाम चीज़ों के कारण जो समस्या उत्पन्न होने वाली है, उससे अभी समाज को अवेयर करा करके हम सभी बचाया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। क्योंकि पानी का स्तर इतना गिर रहा है, इससे आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी समस्या पूरे देश में उत्पन्न होने वाली है। हम समझते हैं कि आज पूरे देश को एकजुट करके इस आह्वान में मिल कर करके सामाजिक चेतना में अपनी भागीदारी जो निभाई है इन लोगों ने, एक देश को संदेश दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है नीतीश कुमार जी का ये प्रोग्राम। हमेशा भी चीज में कुछ कुछ ऐसा करते हैं जिससे मनुष्य में, मानवता में जागरण आती है। और हम लोग जल जीवन अभियान के तहत मानव श्रृंखला लगाए हैं और उनका ये प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा, इसलिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता को और सब जितने भी पदाधिकारी हैं सबों को मेरा धन्यवाद। हम लोग ब्रह्मा कुमारी आश्रम से हैं और सदैव हम लोग आज ही नहीं मानव श्रृंखला के लिए आज ही नहीं प्रेरित करते हैं, लेकिन पहले से भी हम लोग चाहते हैं कि मानव जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो। वातावरण में जो प्रदूषण आया है ना, वो मानव व्यवहार के कारण ही आया है। जो मानव लोग नशा पदार्थ करते हैं, उसको जब तक अंदर में एक आध्यात्मिक ज्ञान होना भी जरूरी है। जब तक स्वयं को परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक विश्व परिवर्तन नहीं होगा। बोलते हैं ना, द वर्ल्ड विल चेंज व्हेन आई विल चेंज माई सेल्फ। तो पहले खुद को बदलना है। बोलते हैं घर में अगर खुद का फायदा होगा तो समाज का भी फायदा कर सकते हैं। इसीलिए भविष्य में ही नहीं, पहले वर्तमान को देखेंगे। अगर वर्तमान में सुरक्षित रहेंगे हम लोग, है ना, वायुमंडल को अगर हम लोग पवित्र बनाएंगे तो आगे चल के आप ही सब वातावरण क्या होंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। थैंक यू। 19 जनवरी को 11:30 से 12 के बीच में जो मानव श्रृंखला जो बनाया गया है, यह ऐतिहासिक क्षण है। और जितने भी सरकारी पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक, तमाम विद्यालय, सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के बच्चे सारे जो उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, यह एक बहुत बड़ा एक अच्छा मैसेज है कि हम पर्यावरण के संतुलन के लिए, पर्यावरण के को बचाने के लिए, जल है, जीवन है, हरियाली है, बिना जल और हरियाली के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और साथ ही साथ नशा मुक्ति अभियान, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन के संदर्भ में एक जन जागरण आह्वान है, जिसमें उल्लासपूर्वक आज सभी लोग शरीक हैं और ये इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी साक्षी हैं, इसके लिए हम सभी गौरवान्वित हैं। आज ये मानव श्रृंखला बड़े ही पैमाने पर और ऐतिहासिक है। इस कार्यक्रम में बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माँ बहन सब की सहभागिता है। सब मिल करके आज ये प्रण हम सब लेने आए हैं, हाथ में हाथ डाल के, कि हम सब पेड़ लगाएंगे
ऑक्सीजन की जो मात्रा कम होती जा रही है, जल का स्तर जो कम होता चला जा रहा है, हरियाली जो खत्म होती जा रही है, उसको बढ़ाने के लिए हम सब आज ये प्रण लेने आए हैं, हाथ में हाथ डाल के आज ये मानव श्रृंखला को सफल बनाने में। वहीं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड में भी मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यह मानव श्रृंखला में आदिवासी समाज के लोगों ने अपने पारंपरिक परिधान में सज धज कर ढोल नगाड़े के साथ इस मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया और जल जीवन हरियाली के तहत दहेज प्रथा को समाज से मिटाने, नशा मुक्ति को सफल बनाने के लिए जन जन तक संदेश पहुंचाया। हालांकि इस दरमियान हल्की बारिश होती रही, इसके बावजूद मानव श्रृंखला को सफल बनाने की भरपूर कोशिश की गई। Thank you.